फिर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने बैठक में भाग लिया। मुंबई में तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और दीवार गिरने की घटनाओं में 25 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। देश में अब तक 40 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हुई। ओडिशा में 1.5 करोड़ से अधिक कोविड जांच की गई। मणिपुर में कोविड पर नियंत्रण के लिए 10 दिन का कर्फ्यू लागू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए ठोस उपाय करने का निर्देश दिया। जर्मनी और बेल्जियम में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या 170 हुई, सैकड़ों लोग अब भी लापता। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 6 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन लेने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन और डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा भी मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेता शामिल हुए और उन्होंने कई सुझाव दिए। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सुझावों को महत्वपूर्ण माना है। 31 बिजनेस है, उसमें 2 फाइनेंशियल बिजनेस है, एक्सेस डिमांड और सप्लीमेंट्री डिमांड, उसके अलावा 6 ऑर्डिनेंस और करीबन 23 बिल्स है। इसमें कई बिलों का नोटिस आ गए, कई बिलों का प्रोसेस होके आना पेंडिंग है। ओवरऑल जो डिपार्टमेंट से, विविध मंत्रालय से जो हमारे पास आए हुए हैं, वो 29 बिल है और 2 फाइनेंशियल बिजनेस है। पीएम ने कहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की आज बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कल बैठक की। उन्होंने सांसदों से कोविड महामारी की स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहने और सभी संबंधित मुद्दों पर विचार करने का आग्रह किया। श्री नायडू ने कहा कि कोविड से प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संसद की सुचारू कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से कई चुनौतियां सामने आईं और ये देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए परीक्षा की घड़ी थी। मुंबई के कई इलाकों में रात भर तेज वर्षा के बाद जमीन खिसकने और दीवार गिरने की 3 घटनाओं में 25 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। चेंबूर इलाके में दीवार गिरने की घटना में 17 और विक्रोली में जमीन धंसने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। भांडुप में दीवार गिरने की घटना में 1 व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कमांडर अनुपम श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि 16 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। हमारी टीमें दोनों जगहों पर इस समय रेस्क्यू ऑप्स कर रही हैं। ये रात की घटना है, हमारी टीमें रात के कुछ समय बाद ही पहुंच गई थी। और जहां तक कैजुअलिटी का कंसर्न है तो चेंबूर वाशी नाका में अब तक 17 मृतक और 2 घायल हुए थे जिनको कि अस्पताल में भिजवा दिया गया था
और विक्रोली में जहां तक बात है, विक्रोली में अब तक 7 डेड बॉडी रिकवर हो चुकी हैं और दोनों जगहों पर हमको ये आशंका है कि अभी भी 5 से 7 लोग इन दोनों जगहों पर अलग अलग डेड बॉडीज डेब्रिज के अंदर फंसे होने की आशंका हम रखते हैं। दोनों ही जगहों पर टीमों को कुछ दिक्कतें ये आ रही हैं कि दोनों ही जगह कंजेस्टेड एरिया में हैं, जिससे कि हम अपने भारी वाहन अर्थ मूवर और मशीनरी ले जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और हाथों से रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने अधिकतम लोगों को बचाया जा सके उतना बचाएंगे और हमारा ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा। उधर रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि पटरियों पर पानी भर जाने के कारण मुंबई की मध्य और पश्चिम रेलवे की उपनगरीय रेल सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने तेज वर्षा को देखते हुए मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। संसद सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे विषय पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये परिचर्चा रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगी। ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने से लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। श्री रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और वे घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दीवार गिरने और जमीन धंसने की घटनाओं में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के निकटतम परिजन को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुंबई में कुर्ला के क्रांति नगर इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, क्योंकि मीठी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। दादर, परेल, हिंदमाता और माटुंगा सहित मुंबई के कई उपनगरीय निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चलने वाली कई रेलगाड़ियों के समय बदल दिए गए हैं और कुछ को रद्द कर दिया गया है। पालघड़ के कई इलाकों में भी बहुत अधिक जल भराव हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित करने के ठोस उपाय किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अपना घर बार छोड़कर गए इन लोगों से संपर्क करने का व्यापक प्रयास शुरू करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि कश्मीरी पंडितों की पूरी जनसंख्या जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ पंजीकृत हो। उन्होंने कहा कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर में अपने पुराने बीते हुए जीवन को तरस रहे हैं और कश्मीर में अपनी मातृभूमि लौटना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कश्मीरी प्रवासियों का लाभ उन सभी समुदायों तक पहुंचना चाहिए जो प्रवासी श्रेणी में आते हैं। कश्मीर में प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6,000 ट्रांजिट आवासों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ करते हुए उन्हें बताया गया कि कुलगाम में 208, बड़गाम में 96 इकाइयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा गांधरबल, शोपियां, बांडीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा में 1200 ट्रांजिट आवासों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ कश्मीर घाटी में 7 विभिन्न स्थानों पर अन्य 2744 इकाइयों के लिए भूमि की पहचान की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 40,49,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 51,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। कल 42,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश में 41,000 से अधिक लोगों में कल कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,22,660 रह गई है।
साप्ताहिक संक्रमण दर 2.08 और दैनिक संक्रमण दर 2.13% है। कल 518 मरीजों की कोविड से मृत्यु हुई। इन्हें मिलाकर अब तक 4,13,000 मरीज इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश कोविड टीकाकरण और नमूना परीक्षण में देश के अन्य राज्यों से काफी आगे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों का इंफ्रारेड थर्मामीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट से स्क्रीन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में संक्रमण अधिक है वहां से आने वाले लोगों की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण को अनिवार्य किया जाए। उधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 81 नए मामले सामने आए, वहीं इस दरमियान 106 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में 6,21,00,000 से अधिक कोविड-19 के नमूनों की जांच हुई है, जो देश में सर्वाधिक है। उधर प्रदेश 4,361,00,000 से अधिक टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य में 581 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट में से 166 प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस वर्ष की कांवर यात्रा रद्द कर दी है। ये यात्रा 25 तारीख से शुरू होने वाली थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री की अपील के बाद कांवड़ संघों ने वार्षिक कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा था कि वो ये बताए कि क्या सरकार यात्रा को सांकेतिक तौर पर आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड सरकार पहले ही कांवर यात्रा रद्द करने की घोषणा कर चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड टीकाकरण को और गति देने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कोविड नियमों के पालन और व्यापक टीकाकरण से ही तीसरी लहर से बचा जा सकता है। प्रतिदिन लोगों का टेस्टिंग ये बहुत जरूरी है और हमने सबको कह दिया कि एकदम बिल्कुल टेस्ट करते रहना है। और हमारा तो उद्देश्य इन लोगों को कह दिए कि प्रतिदिन कम से कम 2,00,000 की टेस्टिंग होनी चाहिए। कोई अगर पीड़ित है तो तुरंत उनका उपाय किया जा सकता है, और अगर नहीं पता चलेगा तो जो पॉजिटिव है उसके चलते अनेक लोगों को फिर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। राज्य में नमूनों में संक्रमण पाए जाने की दर 0.01% रह गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि कल राज्य में कोरोना के मात्र 11 नए प्रकरण मिले, वहीं 23 रोगी स्वस्थ हुए। नए प्रकरणों में भोपाल में 5, इंदौर में 4 और टीकमगढ़ एवं जबलपुर में एक एक कोरोना का प्रकरण सामने आया। कल 1,41,686 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक प्रदेश में 2,51,56,976 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेशवासियों को एक बार फिर संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर आगाह करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने कहा है कि घरों में उपचार करा रहे लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। बीएमसी ने एक ईमेल आईडी जारी किया है जिस पर बीमार लोगों के टीकाकरण के लिए आवश्यक सूचना मांगी गई है। ईमेल आईडी पर उन लोगों के बारे में सूचना भेजी जा सकती है जो स्वयं जाकर टीका लगवाने में असमर्थ हैं। राज्य सरकार ने बिस्तर पर पड़े मरीजों के कोविड-19 टीकाकरण की अनुमति दे दी। ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है और उनकी स्थिति में अगले 6 महीनों तक सुधार होने की संभावना नहीं है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ऐसे मरीजों का ऑनलाइन पंजीकरण होने के बाद उनका टीकाकरण किया जाएगा। रोगियों की योग्यता के बारे में उनके करीबी रिश्तेदारों या देखभाल करने वालों द्वारा सूचित सहमति के साथ एक चिकित्सक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। पूजा पाल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में कोविड जांच का आंकड़ा 1.5 करोड़ को पार कर गया है। अब तक किए गए कुल परीक्षणों में से 6.35% नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में प्रतिदिन लगभग 70,000 कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने इस महीने की 26 तारीख से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्कूल में शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि इन ऑफलाइन कक्षाओं में आने का फैसला विद्यार्थियों का होगा। 10वीं और 12वीं सहित अन्य सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी। राज्य सरकार जल्दी ही इस बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी।
राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को कल से पूरी क्षमता से काम शुरू करने को कहा है। राज्य में कोविड स्थिति में सुधार को देखते हुए ये निर्देश दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने बैठक में भाग लिया। मुंबई में तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और दीवार गिरने की विभिन्न घटनाओं में 25 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। देश में अब तक 40 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हुई। ओडिशा में 1.5 करोड़ से अधिक कोविड जांच की गई। मणिपुर में कोविड पर नियंत्रण के लिए 10 दिन का कर्फ्यू शुरू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए ठोस उपाय करने का निर्देश दिया। जर्मनी और बेल्जियम में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या 170 हुई। सैकड़ों लोग अब भी लापता। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 1456। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 1443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। मणिपुर में घर घर जाकर कोविड जांच करने और टीकाकरण अभियान के बावजूद संक्रमण की दर काफी अधिक बनी हुई है। इस बीच राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए आज से 10 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। मिजोरम सरकार ने आज मध्यरात्रि से इस महीने की 24 तारीख तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है। आइजोल नगर निगम क्षेत्र में 7 दिन की पूर्णबंदी लागू रहेगी, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में जिला प्रशासन स्तर पर कोविड स्थिति के अनुसार पाबंदियां लागू करेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए ये फैसला किया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि महामारी पर नियंत्रण के लिए लोगों की आवाजाही और उनकी गतिविधियों पर अधिक पाबंदियां जरूरी हैं। इसके तहत एक भवन में रहने वाले लोगों के एक दूसरे के यहां आने जाने पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। असम में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 87,68,000 टीके लगाए जा चुके हैं। 72 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली तथा करीब 15,30,000 लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टीकाकरण दल दुर्गम क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए पहुंचने के सभी प्रयास कर रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बहुत पुराने वाहनों को संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यों में पुराने वाहनों के विनियमन के लिए कोई नियम नहीं है, इसलिए नए नियमों से ऐसे वाहनों का पंजीकरण बिना किसी व्यवधान के किया जा सकेगा। श्री गडकरी ने कहा कि ऐसे वाहनों के पुराने नंबर बरकरार रखे जाएंगे और नए सिरे से इनके पंजीकरण के लिए VA श्रृंखला आवंटित की जाएगी। ये सुविधा 50 वर्ष से अधिक पुराने ऐसे दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए होगी जो अपने मूल रूप में मौजूद हैं और जिनमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। इनके पंजीकरण के लिए राज्य प्रशासन 2 महीने के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगा। इन वाहनों को सामान्य प्रायोजनों के लिए सड़क पर नहीं उतारा जा सकेगा। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने परिधान वस्त्र और सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय कर तथा लेवी RoSCTL की छूट को जारी रखने को मंजूरी दे दी है।
ROSCTL योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। इससे वैश्विक बाजार में भारतीय वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। कपड़ा मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने आकाशवाणी से भेंट में बताया कि परिधान वस्त्र और सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात पर ROSCTL की छूट जारी रखने से इन उत्पादों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। श्री सिंह ने कहा कि वस्त्र उत्पाद देश के समूचे निर्यात में करीब 12-13% की भागीदारी करता है। ये योजना भारतीय वस्त्र निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करती है। इस योजना से न केवल स्टार्टअप और उद्यमियों को निर्यात के लिए बढ़ावा मिलता है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार भी सुनिश्चित होता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि न्यूज क्लिक सहित कुछ अन्य वेबसाइट एक अन्य देश द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार में शामिल हैं और भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कुछ विदेशी ताकतें और देश के कुछ राजनेता अशांति फैलाने के लिए एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये साजिश अंतर्राष्ट्रीय टूल किट का हिस्सा है। श्री पात्रा ने कहा कि स्वयं को एक मीडिया हाउस कहने वाले न्यूज क्लिक को विदेश से संदिग्ध तरीके से करोड़ों रुपए मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वेबसाइट का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को विफल दिखाना और भारत में विदेशी दुष्प्रचार का प्रसार करना है। वी हैव सीन दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल टूडे एज टू हाउ मनी ट्रेल इन फैक्ट वॉज देयर फ्रॉम फॉरेन नेशंस एज टू हाउ डूबियस कैरेक्टर्स वर इन्वॉल्व्ड एंड द ओनली एजेंडा of these so-called portals, and in this particular one, the portal called NewsClick, the only agenda is propaganda of a foreign nation and demeaning India's name. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेसहारा पशुओं की मदद करने के लिए सेवानिवृत्त सेना अधिकारी मेजर प्रमिला सिंह की प्रशंसा की है। उन्हें लिखे पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पहल समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मेजर प्रमिला सिंह ने अपनी बचत से जानवरों के भोजन और उपचार की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि ये अभूतपूर्व संकट जानवरों के लिए भी मुश्किल है और सभी को उनकी जरूरतों और दर्द के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान मेजर प्रमिला सिंह और उनके पिता श्यामवीर सिंह ने असहाय और बेसहारा जानवरों की देखभाल की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कल ओलंपिक खेलों के लिए नई दिल्ली से टोक्यो के लिए भारतीय खिलाड़ियों के पहले दल को औपचारिक रूप से विदाई दी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 54 एथलीट, सहयोगी स्टाफ और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधियों सहित 88 लोगों का दल टोक्यो रवाना हुआ। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 135 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं खिलाड़ियों के साथ हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये दल देश को गौरवान्वित करेगा। ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं वो अपनी मेहनत, अपने अनुशासन, अपनी निष्ठा के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास ये अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे लेकिन कोई मानसिक दबाव न हो इसलिए उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम सब लोग आए थे। हमने अपनी ओर से प्रयास किया मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में ताकि इन खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिल सके और टोक्यो में भी कोई दिक्कत न आए उसका भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नौकायन खिलाड़ियों नेत्र कुमानन, विष्णु श्रवणन, केसी गणपति और वरुण ठक्कर के बारे में।
21 अगस्त 1997 को चेन्नई में जन्मी नेत्र कुमानन भारत की 10वीं और पहली भारतीय महिला नाविक होंगी जो टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे महिलाओं की लेजर रेडियल प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगी। 23 वर्षीय नेत्र ने ओलंपिक खेलों का टिकट अप्रैल में ही हासिल कर लिया था जब उन्होंने ओमान में मुसन्नाह ओपन चैंपियनशिप की लेजर रेडियल प्रतिस्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये एक एशियाई क्वालिफायर इवेंट था। नेत्र नौकायन में विश्व कप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी जब उन्होंने अमरीका के मियामी में 2020 के विश्व कप का कांस्य पदक जीता। ओलंपिक क्वालिफायर और एक नाविक परिवार से आने वाले विष्णु सर्वनन का जन्म 24 फरवरी 1999 को हुआ था। उन्होंने 2 वर्षों तक माल्टा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेना में रह चुके पिता रामचंद्रन सर्वनन ही उनके कोच हैं। विष्णु ने अप्रैल में मुसन्नाह ओपन चैंपियनशिप में पुरुषों के लेजर स्टैंडर्ड इवेंट को जीतकर ओलंपिक खेलों के लिए अपना टिकट बुक किया। विष्णु वर्ष 2016 में युवा राष्ट्रीय चैंपियन बने और 2017 में वे नायब सूबेदार के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। 23 वर्षीय विष्णु ने क्रोएशिया में 2019 लेजर अंडर 21 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इसके बाद उन्होंने इटली में लेजर यूरोपा कप में रजत पदक हासिल किया। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं, पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 MHz और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जाएगा। ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में दिन में 3 बजे से होगा। सभी की निगाहें कप्तान शिखर धवन पर रहेंगी। जर्मनी और बेल्जियम में भीषण बाढ़ में कम से कम 170 लोग मारे गए हैं। इनमें से लगभग 140 लोग जर्मनी के हैं। बेल्जियम के राष्ट्रीय आपदा केंद्र ने 27 लोगों के मरने की पुष्टि की है और कहा है कि 103 लोग लापता हैं। कई दिनों से तेज वर्षा के कारण छोटी छोटी नदियों में उफान से आई बाढ़ की चपेट में कई कारें डूब गईं और मकान पानी से घिर गए। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है सुपरस्टार राजेश खन्ना को। आज 18 जुलाई है और पुण्यतिथि है फिल्म दुनिया के रोमांटिक हीरो जतिन अरोड़ा यानी राजेश खन्ना की। दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना पहले सुपरस्टार थे। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्मफेयर ने टैलेंट हंट किया था। नए हीरो की खोज के लिए हुए इस मुकाबले में 10,000 उम्मीदवारों में से एक राजेश खन्ना को चुना गया था। सबसे पहले GPCP ने उन्हें राज फिल्म के लिए साइन किया। राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म 1966 में रिलीज हुई आखिरी खत थी। 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सुपरहिट हो गए। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा 2021 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। भारतीय पैनोरमा इस फिल्म महोत्सव का एक प्रमुख खंड है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने बैठक में भाग लिया। मुंबई में तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और दीवार गिरने की विभिन्न घटनाओं में 25 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। देश में अब तक 40 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हुई। ओडिशा में 1.5 करोड़ से अधिक कोविड जांच की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए ठोस उपाय करने का निर्देश दिया।
जर्मनी और बेल्जियम में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या 170 हुई, सैकड़ों लोग अब भी लापता। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।